हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत दि सोशल इंजीनियर। देखो तो शिक्षा क्षेत्र में 65% दारिद्र्य, शिक्षा क्षेत्र में 65% दारिद्र्य। एम दारिद्र्य जहाँ कहुच्छे जो मैंने बेसिक एम्यूनिटी रु वंचित होंगे से दारिद्र्य कह जाए। कि देखो जो दारिद्र्य कथा कहुच्छे यठार शिक्षा दारिद्र्य कहुच्छे, शिक्षा दारिद्र्य मैं 65% दारिद्र्य अच्छा लर्निंग पॉवर्टी आम कहीपर। तो दोज यू आर डिप्राइव फ्रॉम दि बेसिक एजुकेशन बेसिक फैसिलिटीज हु इज कॉल्ड पॉवर्टी। जो मैंने खाद्य वस्त्र बासगृह शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन जो मैंने वंचित होते दारिद्र्य कह जाए। कि मुख्य दारिद्र्य कथा जो कह शिक्षा दारिद्र्य। तो कौन पर शिक्षा दारिद्र्य हो कौन ए मुख्य उद्देश्य अच्छी कौन कहीं एमती शिक्षा दारिद्र्य 65% अच्छी डिटेल आम जो न्यूज पेपर क्लीप बाहरी विषय में डिस्कसन करवा। देखो ये नवम श्रेणी टॉपी ना 4500 शिक्षक, नवम श्रेणी टॉपी ना 4500 शिक्षक मुह फेराउं पिला बंद हो सरकारी स्कूल। एभली गोटे विकट चित्र बर्तमान आसी। देखु भारत में शिक्षा व्यवस्था एक चिंताजनक चित्र सामना को आसी। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी व्यय गत किसी वर्ष मध्य प्राय 78% वृद्धि पाई, जदिओ शिक्षा क्षेत्र में व्यय वृद्धि पाई जो हिसाब से उन्नति होगा कथा मैंने शिक्षार मान वृद्धि होगा कथा क्वालिटी एजुकेशन एश्योरेन्स करवा कथा सेमतीपारिना। देखु भल शिक्षक और श्रेणीगृह कथा पचकित हो शिक्षार मान एत खराब जे तृतीय श्रेणी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो तृतीय श्रेणी पर्यंत प्रति 5 जन जड़े छात्र व छात्री पाठ्यपुस्तक पढ़ी पार ना। आहरी परितवार विषय होची देश में प्राय 4500 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नवम श्रेणी उत्तीर्ण होना एवं सेने कौन मत चाकरी करु पाठ पढ़ाई पार ना। सरकार से चाकरी भितर तालीम प्रदान व्यवस्था करिवारे मध्य विफल होती। यूनिफाइड जो अच्छी देखते यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस जो यूडेस प्लस कह जाए तथ्य अनुजाई 2022 वर्ष मात्र 15% शिक्षक मान आवश्यक तालीम दि जाएगी किंतु से मैंने आसन रूप दक्षता हासिल कर पारिना। विश्वविद्यालय परिस्थिति प्राय समान सूचना मिली से शिक्षक मान उपयुक्त तालीम दि जाती। जयसंघ चिल्ड्रेन फंड विशेषज्ञ शेषगिरी के एम राव देखते यठार जातिसंघ चिल्ड्रेन फंड विशेषज्ञ कहते एवं शिक्षक को पेशादार करने और पेशागत तालीम देवा एक नियमित प्रक्रिया होगा उचित बोली से एठारे कहते। तथ्य अनुजाई 2013-2023 मध्य विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में बजेट परिमाण जदिओ 18% उच्चशिक्षा क्षेत्र में 25% वृद्धि पाई केन्द्र और राज्य सरकार मिलित भाव में 7.9 लाख कोटी टंका बाबद व्यय कराकि सामरिक घर उत्पाद व जीडीपी 3% रही वास्तव चित्र हो मौलिक अध्ययन क्षेत्र में समस्या दूर हो पारना। एवं दिन रु 3 रु 10 वर्ष वयस वर्ष मध्यस्थ बहु स्कूल पिला एवं सुधा लेखिया पढ़ा क्षेत्र में दुर्बल रही। पिला बहुविध सरकारी प्रयास तथा विभिन्न प्रलोभन जो स्कूल जाऊँगी किंतु पाठ पढ़ुना यार प्रमुख कारण होची उपयुक्त शिक्षक अभाव। देखो जदिओ से एम डी एम है कि अन्य स्कॉलरशिप है कि कौन प्रलोभन स्कीम जहाँ भी अच्छी जाऊँ स्कूल किंतु से पाठ पढ़ुना से पचर होती। विश्वबैंक पक्ष लर्निंग पॉवर्टी शिक्षा क्षेत्र दारिद्र्य बोली कह जो लर्निंग पॉवर्टी आई यहाँ दूर करने गोटे सुचिंतित गोटे मानने एजुकेशनल पॉलिसी आने को पड़े जहाँफल कि जो फंडामेंटल लिटरेसी एफएलएन जो एनईपी 2020 में गुरुत्वारोप कराई ताको ठीक से कार्यकारी करा पड़े पूरा ग्रासरूट लेवल जब इम्प्लीमेंट कराए निश्चित भाव में किसी वर्ष पर जो क्वालिटाइजेशन क्या कहुच्छे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्वालिटाइजेशन ताक एश्योर कर। थैंक यू। यहाँ देखो शिक्षा क्षेत्र में 85% दारिद्र्य व लर्निंग पॉवर्टी जहाँकि कहुच्छे। देखो लर्निंग पॉवर्टी विश्वबैंक पक्षर यह लर्निंग पॉवर्टी कहुच्छे तो यह बहुत एग्जाम आसी है तो यह जाना बहुत जरूरी। थैंक यू।